30 इंच का एक पैनल है, ये मॉनिटर में था और इसका देखिए ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा आ रहा है देखिए। देखिए देखिए ठीक से देखिए कैसा पिक्चर आ रहा है। तो इसमें अभी हम इसका पैनल का जो VCC है और सभी टेस्ट करके दिखाता है। इसका ऊपर हमने प्रैक्टिकल किया था फ्रेंड, और अभी फिर से हम दिखा रहे हैं। देखिए ये 5 वोल्ट का पैनल है, ये देखिए इसमें 4.6 ये बराबर है, और इसमें ये रेगुलेटर पर देखिए 3.3 वोल्ट फिक्स है। ये इसका VGL है, देखिए VGL -1.3 वोल्ट हो गया है, और इसका जो VGH है ये देखिए ये VGH 17 वोल्ट हो गया है। तो हमने ट्रेस किया है, जो ये IC है ये IC SM4005 है, ये फॉल्टी है, और हमने एक नया SM4007 IC लाया है, और हमने हमारा जो मार्केट है कलकत्ता का उसमें से ये SM4005 नया लाया है। तो आज ये हमने दिखाएंगे कैसे करते हैं और प्रॉब्लम कितनी तक सॉल्व होता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये IC है जो हम ओपन करते हैं IC को। ये फ्रेंड ये IC तोलने का काम बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी हमने इसको कर दिया है। इसको सफाई करते हैं फिर नया IC लगाते हैं। ये नया वाला IC है, इसको हमने करते हैं ओपन, और दिखाओ इसका IC का नंबर दिखाओ। और फ्रेंड ये जो IC का थर्मल पैड है, ये IC का थर्मल पैड है, इसको हम पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही बिठाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकते हैं फ्रेंड, तो देखते रहिए।
फ्रेंड, तो आईसी लगाने से पहले आईसी को, आईसी का जो लेग है, ये सभी लेग को एक बार 80 से शोल्डर कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आईसी को बिठाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, लगभग हमारा आईसी का जो लेग है ये सभी बराबर सोल्डर हो गया है। ये पाइप टेस्ट है। तो फाइनली ये आईसी जो है लग गई है, थोड़ी दिक्कत है। और फ्रेंड ये फाइनली हमने आईसी जो लगाया, ये आईसी का लीक को देखिए, शायद खाली आंखों से तो दिख रहा है ये कंप्लीट हो गया है। इधर भी देखिए, तो अभी इधर भी दिखाइए। तो फ्रेंड दिक्कत होती है ये काम करने में बहुत। और फाइनली ये शायद देखिए, इसका नंबर भी दिखा रहा है और इधर का दिखाइए, शायद ये लग गया है मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम पावर देते हैं और देखते हैं फ्रेंड, तो आगे लाइन में बने रहे। और फ्रेंड आईसी तो हमने लगा ही दिया और देखा सब कुछ ठीक ठाक था, तो अभी पावर दिया और देखिए अभी ये देखिए एलईडी आ गया है और ये पिक्चर भी बढ़िया चल रहा है। सो फ्रेंड्स थैंक्स। और हम अभी दिखाते हैं जो वोल्टेज का डिस्टर्ब था वो हमने दिखा रहा है। और फ्रेंड देखिए ये VCC है जो 5 वोल्ट का पैनल है, तो ये देखिए 4.8 है 5, और ये देखिए VGS 31 है और ये VGL -6 है, ये AVDD 12.3 है, ये 5 वोल्ट का पैनल है। तो फ्रेंड ये जो है पैनल, अभी आईसी लगाया और पैनल बढ़िया चल रहा है। ये देखिए इसमें पिक्चर कैसा आ रहा है दूर से दिखा, और देखिए फ्रेंड ये पिक्चर एकदम सही बन रहा है। फ्रेंड थैंक्स। और आप अगर पहले मेरा चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए जो मेरे वीडियो है वो आपका चैनल आपका मोबाइल में पहले आए, इसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो थैंक्स फ्रेंड।